बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। उस्मानपुरा वाराणसी में आदमखोर कुत्ते का आतंक मचा हुआ है। आपको बता दें कि उस्मानपुरा वाराणसी में आदमखोर कुत्ते ने लगभग 150 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर चुका है, जिसकी दहशत इस कदर है कि लोग बाहर निकलना और बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। इसे आदमखोर के बारे में और जानते हैं उस्मानपुरा वाराणसी के लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जमालुद्दीन, क्या किस तरह का कुत्ता है, किसी का पलुआ है या कितने लोगों काट चुका है अब तक? वो मारने के लिए वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं हमने नहीं पाला है, है और फिर उसके बाद में गाली बच्चे कर बत्ता करते आगे कि हमने जो है कि उसको बचपन से खिलाए हैं पिलाए हैं, और जब कोई काटता है तो कहते हैं कि हमने नहीं काटे, हमने नहीं पाले उसको। भैया लाल उनका नाम है, भैया लाल के घर में ही कुत्ता रहता है? नहीं, वो उसी तरह छोटवा सा है, उसी तरह रहता है। हाँ, तो किसी एक का पलुआ नहीं है? नहीं नहीं, किसी का पलुआ नहीं है। तो अब तक कितने लोग काट के भाई काटा है? 100-150 लोगों को काट चुका है। 150 लोगों को काट चुका है, तो किस तरह से काटता है, मतलब पूरे क्षेत्र में काफी लोग काट चुका है? हाँ, यहाँ मतलब मोहल्ले के बाहर से भी आते हैं, उनको भी काटता है। अच्छा, ऐसे में क्या प्रयास किया है क्षेत्रीय पार्षद ने और क्षेत्रीय जिम्मेदार लोगों ने? 4-5 बार पकड़वाया भी है, ये वो लोग छोड़ा लेते हैं। अच्छा, और फिर जब मारने जाए तो कहते हैं हमारा पलुआ है, और काट लेता है तो कहते हैं नहीं पलुआ। अच्छा अच्छा, जब मारते हैं तो उनको बचाने के लिए वो आगे आते हैं। पत्नी और बच्चे को लेकर जा रहे स्कूटी सवार के साथ मनबड़ों ने किया मारपीट। ये मामला वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत हुकुलगंज का है। बताया जाता है कि बीती रात रविंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय छत्रपाल सिंह निवासी कबीर चौरा बड़ी पियरी का कहना है कि दिवाली की रात मैं अपनी पत्नी और बच्चे को स्कूटी पर बैठा कर घर जा रहा था। जैसे ही हम हुकुलगंज यादव मिल के बाहर के पास पहुंचे ही थे कि सामने गली में एक गाड़ी पर 3 युवक बैठ कर आए और पीछे बैठी मेरी पत्नी के गले में हाथ डालकर मंगल सूत्र छीनने का प्रयास किया, जिस पर मेरी पत्नी द्वारा चिल्लाने और झटका देने से छिनैत का हाथ छूट गया। पत्नी का आवाज सुनते ही मैंने गाड़ी किनारे खड़े कर दी। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच कर छिनौतों की तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति ने 200 से 300 ग्राम आलू खो जाने पर 112 नंबर डायल किया, जिसकी वजह से वहां पर पुलिस पहुंची और उन्होंने उसे पूछा कि तुमने 112 नंबर क्यों डायल किया है, तो उसने कहा कि मेरी आलू खो गई है, जिसको आप पता करिए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। तो फोन किया था तुमने, क्या नाम है तुम्हारा? रिया वर्मा। अच्छा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वर्गीय रामाशर। अच्छा, मोहल्ला कौन सा है? अच्छा, बताओ क्या विवाद है? विवाद ये है कि मैं आलू यहाँ 4 बजे आके आए घर में छोल के रखे रखे हैं, कि मैं सोचा कि मैं अपना खा पी के आऊंगा बनाऊंगा कि अच्छा। आलू मेरे गायब हो गए, ठीक, ये मेरा घर का विवाद है। अच्छा, आलू किसने चोरी करे तुम्हारे? अब ये पता नहीं, वो जांच कर रही है। आलू कितने थे तुम्हारे? आलू जो भी हो मैं अकेले टाइम पे बना के रखे। नहीं, फिर भी कितने होंगे आलू तुम्हारे, 1 किलो 2 किलो? 300 ग्राम 250-300 ग्राम। अच्छा, आलू चोरी हुए हैं, किसने करे हैं, उसका नाम नूम पता है कुछ? अब यही तो पता है, ऐसा कैसा पता कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी दारू पियो आप? दारू ये है ठेके वाली। अच्छा, नशे में हो? नशा है थोड़ा बहुत है, पौवा खाने की मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पी लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा,